ओके okay, तो यार ब्लैक पैंथर इस साल का वो मूवी है जिसके लिए मैं बिल्कुल एक्साइटेड नहीं था उसका रीजन चैडविक बोसमैन क्योंकि चैडविक बोसमैन हमारे बीच में अब नहीं है तो उस वजह से मैं एक्साइटेड नहीं था कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनके एक्टर्स को रिप्लेस करना मुश्किल है लाइक आयरन मैन वुलबरिन ब्लैक पैंथर बट रायन कुगलर ने यह सब चेंज कर दिया है और सबसे ज्यादा मैं एक्साइटेड था थॉर लव एंड थंडर लेकिन उस मूवी ने भाई मुंह में मुद दिया मेरे तो खैर उसको छोड़ देता है तो अभी जस्ट मैंने ब्लैक पैंथर वकांडा फॉर मूवी देखा और मूवी को लेके काफी सारी चीजें हैं क्योंकि मूवी दो घंटे

बट uh, ये कोई बड़ा इशू नहीं है इससे वकांडा वाले निपट लेते हैं इस प्रॉब्लम से मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होता है नेमोर के वजह से और जो रि रिविलियम का जो कैरेक्टर है इन दोनों कैरेक्टर से मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होता है वकांडा का अब क्यों प्रॉब्लम होता है वो चीज तुम लोग मूवी में देखो अगर मैं स्टोरी बता दूंगा तो फिर मेन चीज रिवील हो जाएगा तो वो चीज मैं चाहता हूँ तुम लोग मूवी में देखो और फिर उसी में तुम लोग को पता चलेगा मूवी में नेमोर का ओरिजिन दिखाया है जो कि कॉमिक से अलग है सच बताऊ तो नेमोर का हर एक एक्शन सीरीज में लिटरीली लोग पिछवाड़ा का जोर लगा लगाकर चिल्ला रहे थे यहां तक लड़कियां चिल्ला रही थी थोड़ा गलत साउंड हो गया I mean, excited के मारे भी रही थी कि का का काफी बहुत ज्यादा मस्त लग रहा था वो चीज तुम लोग बिल्कुल मिस मत करना और स्पेशली बोलूंगा कि तो ज्यादा कुछ तुम लोग पता चलेगा जितना सीन है वो थ्री में और ज्यादा मस्त लगता है मछलियां जब आती है तो फिर वो सारा चीज काफी मस्त लगता है नाउटीचाला एक एक चैडविक बोसमैन को अच्छे से ट्रिब्यूट दिया जिससे काफी ज्यादा इमोशनल फील होता है एंड इसके अलावा रिडी विलियम रिडी विलियम का बहुत ज्यादा सीन नहीं है लेकिन मेजर रोल है और रिडी विलियम स्टोरी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस मूवी में नाउ अब मेन पॉइंट ब्लैक पैंथर कौन है तो इसका सिंपल आंसर है कि भाई देखो ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना कि ब्लैक पैंथर वो होगा ब्लैक पैंथर ये होने वाली है सिंपली मूवी में देखो तुम लोग को पता चल जाएगा और जो भी ब्लैक पैंथर का रोल प्ले कर रहा है उसने मस्त एकदम रोल किया है एक्शन भी एकदम मस्त दिखाया है ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग डिसअपॉइंट है कि भाई ये ब्लैक पैंथर कैसे बन गए या फिर बन गई तुम लोग देखो तुम लोग को समझ में आ जाएगा जिससे हम लोग सरप्राइज हो जाए या फिर चिल्लाए जैसे मार्बल के दूसरे मूवीज में होता है कि कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर आ गया तो हम लोग चिल्ला बैठते हैं तो उस तरह का नहीं है मिड क्रेडिट सीन को छोड़ के मिड क्रेडिट में एक सरप्राइजिंग कैरेक्टर है अब ऑनेस्टली बताऊ तो मूवी में इमोशनल सीन्स था मतलब थोड़ा ज्यादा इमोशनल सीन्स था फर्स्ट हाफ के बाद जो चीज होता है उसको देख के भाई मतलब लिटरली मैं रो ही पड़ा था ऑल्सो मूवी में हंसी मजाक है एंड अच्छा स्टोरी है एंटी विलन नेमोर को अच्छे से, से सेट किया है इवन फ्यूचर के लिए भी नेमोर इंपॉर्टेंट हो जाता है और एक्शन भी अच्छा खासा था तो ओवरऑल मूवी काफी मस्त था एंड इस साल का मेरे को बेस्ट मूवी लगा है क्योंकि तुम लोग बाकी सारे मूवीज को कंपेयर कर लो डॉक्टर स्टेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जिसमें वोंडा दीदी पगला गई थी अपने बच्चों को लेके थॉर लव एंड थंडर उससे तो कंपेयर करना बिल्कुल ही नहीं बनता है मतलब वर्स्ट मूवी मार्वल का मेरे को अभी तक का लगा है ऐसा लग रहा है कि भाई मैं ऐसे मैं ऐसे मतलब मूवी देखने गया और थिएटर में किसी ने मेरे मुंह पे मुद दिया है मतलब इससे ज्यादा धोखेबाजी ना रिलेशनशिप में भी नहीं मिलता है आई थिंक तो इस वजह से ब्लैक पैंथर काफी अच्छा मूवी है एंड काफी इंपॉर्टेंट मूवी भी हो जाता है मार्वल के फ्यूचर के लिए क्योंकि ब्लैक पैंथर काफी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मार्वल कॉमिक्स में जिसका फ्यूचर जुड़ा हुआ है तो आने वाली मूवीज में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है तो फिलहाल तुम लोगों ने मूवी नहीं देखा है तो मैं स्ट्रॉगली रिकमेंड करूंगा भाई बोलने का भी जरूर नहीं है जाके देखो एंड वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर दो और इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग मूवीज़ रिलेटेड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो मिलता हूं नेक्स्ट वाले वीडियो में